समझे थे आर्यपुत्र कि मेरी ममता पुत्र प्रेम में अंधी होकर इसे युवराज कह गई। मुझे भरत वंशियों की इस परंपरा का ज्ञान है कि वो जन्म में नहीं कर्म में विश्वास करते हैं, कि वो जन्म भोगी नहीं कर्म योगी होते हैं। मेरे और तुम्हारे पुत्र को योग्य तो होना ही चाहिए प्रिय। यह आवश्यक नहीं था आर्यपुत्र, परंतु हस्तिनापुर की राजगद्दी पर कर्म का ही अधिकार चला आ रहा है, इसलिए मैंने आवश्यक समझा कि देवव्रत ऋषि वशिष्ठ से वेद और वेदांत की शिक्षा प्राप्त करे और गुरु बृहस्पति से राजनीति सीखे, जो इसने किया। और जब ऋषि भार्गव ने यह कह दिया कि अब त्रिलोक में इस बालक के वानों का सामना कोई नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा कि अब समय आ गया है कि हस्तिनापुर को उसका युवराज लौटा दिया जाए। गंगे, हस्तिनापुर इसे पाकर धन्य हो गया। अब तुम अपने पिता महाराज के साथ हस्तिनापुर जाओ, जहां इतिहास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और आप माते? वृक्ष की छाया वृक्ष से बंधी होती है, वो चाहकर भी यात्री के साथ आगे नहीं जा सकती। तुम्हारे लिए मैं भी एक ऐसी ही छाया हूं, समय के वृक्ष से बंधी हुई। अब तुम अपने पिता महाराज के साथ जाओ और हस्तिनापुर में अपने कर्तव्यों का पालन करो। जो आज्ञा माते। अच्छा आर्य पुत्र, चलती हूं। प्रिये, उदास न हो पुत्र। मैं अपने अधूरेपन पर उदास हूं पिता महाराज, कि माता और पिता का स्नेह मुझे कभी एक साथ नहीं मिला। मैं तुम्हें माता और पिता दोनों का स्नेह देने का प्रयास करूंगा पुत्र। हाँ, आओ चलें।